नमस्कार, मैं हूं प्रिया। आज है 4 जनवरी। आइए जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। गणतंत्र दिवस में इस बार नहीं दिखेगी बिहार की झांकी। बिहार सरकार ने केंद्र में बैठी मोदी सरकार के प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया है। दरअसल केंद्र सरकार ने हाल ही में गणतंत्र दिवस को ध्यान में रखते हुए सभी राज्यों से अपनी अपनी झांकी पेश करने की मांग की थी, जो कि बिहार सरकार ने मानने से इनकार करते हुए इस साल के गणतंत्र दिवस में बिहार की प्रस्तुति पेश करने से मना कर दिया है। खबरों की माने तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस साल अपने जल जीवन हरियाली यात्रा की झांकी पेश करना चाहते थे, मगर केंद्र सरकार ने उन्हें ऐसा करने से मना कर दिया, जिसके पश्चात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी अपना फैसला सुना दिया। मौसम विभाग ने बिहार के मौसम को लेकर की टिप्पणी। ठंड का असर इतना ज्यादा बढ़ गया है कि लोग पिछले 15 दिनों से ज्यादा से ठंड के कारण परेशानियों से जूझ रहे हैं। मौसम विभाग का पूर्वानुमान लोगों की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ा सकता है, क्योंकि मौसम विभाग की माने तो आज पूरे बिहार में तेज हवा के साथ हल्की बारिश होने की भी संभावना जताई गई है। इतना ही नहीं, बारिश के साथ साथ बिजली चमकने की भी संभावनाएं बनेगी। इसके अलावा मौसम विभाग ने यह भी साफ कर दिया है कि आने वाले 3-4 दिनों तक इसी तरीके से रात के समय में तापमान में गिरावट होगी और ठंड भी उतनी ही तेजी से बढ़ती रहेगी। मक्का और गेहूं के लिए बिहार को किया गया सम्मानित। बिहार के कृषि क्षेत्र को आखिरकार इस साल का पहला पुरस्कार मिल ही गया। बिहार में मक्का और गेहूं की फसल की खेती की गुणवत्ता को देखते हुए बिहार को सर्वश्रेष्ठ उत्पादन के लिए कृषि कर्मण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बेंगलुरु में आयोजित एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह सम्मान बिहार के कृषि मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार को सौंपा है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, केंद्र सरकार उस राज्य को इस सम्मान से सम्मानित करती है जो कि गेहूं, चावल, दाल और मोटे अनाजों का उत्पादन भारी मात्रा में करते हैं। गणतंत्र दिवस के परेड में शामिल होगी पूसा की अर्पणा। क्षेत्र चाहे कोई भी हो, हर तरफ बिहारियों का बोलबाला जरूर देखने को मिलता है। ऐसा ही कुछ इस साल दिल्ली में आयोजित होने वाले गणतंत्र दिवस के परेड में भी देखने को मिलने वाला है, जहां पर बिहार के समस्तीपुर जिले के पूसा प्रखंड के जवाहर नवोदय विद्यालय बरौली की 9वीं कक्षा की छात्रा अर्पणा 26 जनवरी को दिल्ली में आयोजित गणतंत्र दिवस की परेड का हिस्सा बनेगी। ज्ञात हो, इस परेड के लिए अर्पणा का चयन मुख्य कार्यक्रम के लिए किया गया है। अर्पणा के परेड का हिस्सा बनने की खबर से समूचे गाँव में खुशी की लहर दौड़ रही है। SBI में होने वाली है बंपर भर्ती। बैंक में नौकरी की इच्छा रखने वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए अहम सूचना। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जल्द ही अपने ब्रांच में 8000 जूनियर एसोसिएट की भर्ती करवाने जा रहा है, जिसके लिए हाल ही में SBI ने एक अधिसूचना जारी कर दी थी, जिसके तहत जल्द ही नियमित तौर पर SBI में 7830 पद जबकि स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव के जरिए 130 पदों को भरा जाएगा। जो भी अभ्यर्थी इन पदों के लिए आवेदन भरना चाहते हैं, वो SBI की आधिकारिक वेबसाइट www.sbi.co.in पर जाकर 26 जनवरी तक आवेदन भर सकते हैं। साथ ही साथ पदों से जुड़ी तमाम जानकारियां भी ले सकते हैं। परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे बिहार के 70 विद्यार्थी। नया साल अपने साथ बिहार के लगभग 70 विद्यार्थियों के लिए उपहार लेकर आया है, क्योंकि इन विद्यार्थियों को अब सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए चयनित किया गया है। हाल ही में बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने प्रधानमंत्री मोदी के परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में शामिल होने के लिए छात्रों का चयन किया है। इनमें सरकारी और गैर सरकारी स्कूल के सभी छात्र छात्राएं शामिल है, जिसके पश्चात अब यह छात्र 16 जनवरी को दिल्ली में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। रोहतास के शेर शाह सूरी मकबरा में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। शेर शाह सूरी का मकबरा जिले का प्रमुख पर्यटन आकर्षण है। यह मकबरा शेर शाह के जीवन के साथ साथ उसके बेटे इस्लाम शाह के शासन के समय में बनाया गया था। इसका निर्माण शेर शाह के गुजर जाने के 3 महीने बाद 16 अगस्त 1545 में पूरा हुआ। सासाराम में स्थित यह मकबरा कृतम झील के बीच बना हुआ है। यह मकबरा इस्लामी वास्तुकला का उत्कृष्ट नमूना है। इसे भारत के दूसरे ताजमहल के रूप में भी जाना जाता है। सिपाही लिखित परीक्षा की तारीख की हुई घोषणा। बिहार पुलिस में सिपाही भर्ती के लिए होने वाली परीक्षा की तारीख की घोषणा केंद्रीय चयन परिषद ने कर दी है, जिसके अनुसार अब सिपाही भर्ती का 11,880 पदों के लिए होने वाला यह रिटन एग्जाम अब 12 और 20 जनवरी को 35 जिलों में बनाए गए केंद्रों में होगा। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, केवल उन्हीं परीक्षार्थियों को ही आगे की प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा जो कि इस परीक्षा में 30% अंक प्राप्त करने में सफल होते हैं। फुटबॉल में नरकटियागंज की 2 दर्जन बेटियां कर रही हैं अपना नाम रोशन। किसी ने सही कहा है कि प्रतिभाओं के लिए परिस्थिति मायने नहीं रखती। ऐसा ही कुछ कर रही हैं बिहार के पश्चिम चंपारण की बेटियां, जहां अभाव का माहौल होने के बावजूद लगभग 2 दर्जन लड़कियां आसमान की ऊंचाई छूने के लिए निकल पड़ी हैं। फुटबॉल के जरिए ये सभी लड़कियां अपनी किस्मत चमकाना चाहती हैं। इनमें से कुछ ऐसी भी हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर अपना लोहा मनवा चुकी हैं। बिहार विश्वविद्यालय ने जारी की नई एडवाइजरी। बिहार यूनिवर्सिटी ने स्नातक की पढ़ाई कर रहे और खासकर की थर्ड ईयर में पढ़ रहे छात्रों के लिए अहम सूचना। बिहार विश्वविद्यालय द्वारा जारी की गई एडवाइजरी के अनुसार अब थर्ड ईयर के छात्रों को अपने रिजल्ट संबंधी किसी भी सुधार के लिए विश्वविद्यालय के चक्कर नहीं लगाने होंगे, बल्कि अब छात्र कंप्यूटराइज तरीके से रिजल्ट में सुधार के लिए आवेदन भरेंगे या फिर अपने कॉलेज के द्वारा ही विश्वविद्यालय में अपने कागजात पहुंचाने होंगे।
यूपीएससी ने साल 2020 में होने वाली परीक्षाओं का डेट शीट किया जारी। संघ लोक सेवा आयोग ने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा का कैलेंडर जारी कर दिया है, जिसके तहत अब इस परीक्षा का नोटिफिकेशन 12 फरवरी को जारी किया जाएगा। वहीं अभ्यर्थियों का आवेदन 3 मार्च तक स्वीकार किया जाएगा, जबकि सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा 31 मई को होगी। वहीं मेंस का आयोजन 18 सितंबर को किया जाएगा। बाकी जानकारियों के लिए बीपीएससी के छात्रों को यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाकर कैलेंडर डाउनलोड कर तमाम जानकारियां हासिल करनी होगी। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर अमित शाह ने दिया बड़ा बयान। गृहमंत्री अमित शाह को भाजपा पार्टी का कर्ता धरता माना जाता है। रणनीति बनाने में माहिर शाह ने झारखंड विधानसभा चुनाव से सीख लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने एक निजी न्यूज चैनल से बातचीत में यह ऐलान किया है कि आगामी विधानसभा चुनाव में एनडीए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही मैदान में उतरेगी। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा है कि बिहार में एनडीए गठबंधन से मुख्यमंत्री पद के लिए नीतीश कुमार ही दावेदार होंगे और वही मुख्यमंत्री बनेंगे। प्याज के दाम में 22 रुपए की हुई गिरावट। सभी आम नागरिकों के लिए खुशखबरी। लंबे समय से प्याज की बढ़ी कीमत ने हर किसी के रसोई के बजट को बिगाड़ कर रख दिया था, लेकिन अब जाकर उसमें थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि पिछले दो दिनों का रिकॉर्ड देखें तो प्याज की कीमत में 22 रुपए की गिरावट दर्ज की गई है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, नासिक से प्याज की आयात बढ़ने से प्याज की कीमत घटी है, जिससे कि अब थोक में 80 रुपए में मिलने वाला प्याज 58 रुपए किलो हो गया है। वहीं खुदरा में मिलने वाला प्याज अब 90 रुपए से घटकर 70 रुपए किलो तक आ गया है, जो कि आने वाले 2-3 दिनों में और ज्यादा कम हो जाएगा। 75% से कम अटेंडेंस वाले छात्रों को बोर्ड परीक्षा देने की अनुमति नहीं। सभी बोर्ड परीक्षार्थियों के लिए अहम सूचना। अब सीबीएसई उन छात्रों को परीक्षा से दूर रखने वाला है जिन्होंने स्कूल अटेंड नहीं करके अपने 75% अटेंडेंस का क्राइटेरिया पूरा नहीं किया हुआ है, जिसके लिए सीबीएसई ने हाल ही में एक अधिसूचना जारी की है, जिसके तहत सीबीएसई ने सभी स्कूल को नोटिस भेजकर यह साफ कर दिया है कि 75% से कम अटेंडेंस वाले छात्रों को अब एडमिट कार्ड मुहैया नहीं करवाया जाएगा। केवल उन्हीं छात्रों को एडमिट कार्ड दिया जाएगा जो अपने स्कूल न आने का उपयुक्त कारण बताने और उसके कागजात जमा करवाने में सक्षम हो। पीपीपी मोड में खोले जाएंगे 500 अन्य प्रदूषण जांच केंद्र। बिहार के परिवहन विभाग ने प्रदूषण के बढ़ते स्तर को ध्यान में रखते हुए मार्च महीने तक 500 नए प्रदूषण जांच केंद्र को खोलने का ऐलान किया है, जिसके तहत अब समूचे बिहार में पीपीपी मोड पर इन प्रदूषण जांच केंद्रों का शुभारंभ किया जाएगा, जिसके लिए जिला परिवहन पदाधिकारी ने इन केंद्रों के लिए लाइसेंस निर्गत करवाने का सिलसिला शुरू कर दिया है। इतना ही नहीं, आपको याद दिला दे, कुछ समय पूर्व परिवहन विभाग ने यह ऐलान किया था कि कोई भी 12वीं पास व्यक्ति यह प्रदूषण जांच केंद्र खोल सकता है, जिसके बाद से समूचे बिहार में लगभग 100 जांच केंद्र भी खोले गए हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने की जल जीवन हरियाली यात्रा की सराहना। जहां एक ओर बिहार के सभी विपक्षी दल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जल जीवन हरियाली यात्रा पर सवाल उठा रहे, वहीं दूसरी ओर भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इस यात्रा का समर्थन कर रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने जी खोल के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस कदम की सराहना भी की है और कहा है कि इस परियोजना की कामयाबी बिहार सहित पूरे देश को एक नई दिशा दिखाएगी। जदयू के बाद अब राजद ने जारी किया पोस्टर। बिहार में एक बार फिर से पोस्टर का खेल शुरू हो गया है, जिसकी शुरुआत तो जदयू ने की थी, मगर अब राजद भी इसका हिस्सा बन गया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, हाल ही में राजद ने अपने कार्यालय के बाहर एक पोस्टर जारी किया है, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी दोनों के सर पर एक एक टोकरी है, जिसमें कि राज्य सरकार की खामियों और गलतियों का पूरा चिट्ठा भरा हुआ है। मकर संक्रांति के बाद बिहार दौरे पर जाएंगे तेजस्वी। इस चुनावी साल में हर कोई अपनी रणनीति बनाने और उसे पूरा करने की जुगत में जुट गया है। इसी क्रम में अब राजद भी जल्द ही बिहार की राजनीतिक सांठगांठ को समझने के लिए सड़कों पर उतरने वाला है। तेजस्वी यादव ने भी अपने बिहार दौरे की तारीख का ऐलान कर दिया है, जिसके तहत अब तेजस्वी 16 जनवरी से यानी कि खरमास और मकर संक्रांति के बाद से बिहार का दौरा शुरू करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने यह भी ऐलान किया है कि वो अपने चुनावी दौरे में नीतीश सरकार की पोल भी लोगों के सामने खोलेंगे। कड़ी सुरक्षा के बीच गुवाहाटी पहुंची श्रीलंका की टीम, अभ्यास सत्र में लिया हिस्सा। 3 मैचों के T20 सीरीज खेलने के लिए श्रीलंका की टीम मलिंगा की कप्तानी में गुवाहाटी कड़ी सुरक्षा के बीच पहुंची है। नागरिकता संशोधन विधेयक के विरोध में हो रहे छुटपुट प्रदर्शन के कारण शहर में टीम की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। हालांकि इस बीच कल श्रीलंकाई टीम ने अभ्यास सत्र में हिस्सा लिया। भारतीय टीम भी कल शाम तक कई समूहों में गुवाहाटी पहुंची। आज भारतीय टीम अभ्यास सत्र में भाग लेगी। आपको बता दें, कल शाम 7 बजे से भारत और श्रीलंका के बीच पहला T20 मैच खेला जाएगा। बढ़ते मौसम की खबरों की ओर। बिहार में लगातार ठंड का असर बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में आइए जानते हैं मौसम विभाग का पूर्वानुमान क्या कहता है। किशनगंज, लखीसराय, मधुबनी, मुंगेर, पटना, पूर्णिया, बेगूसराय, भागलपुर, अररिया, बांका, अरवल, सारण, दरभंगा, गया, शेखपुरा, सीतामढ़ी, कटिहार, समस्तीपुर, सुपौल, कैमूर, मधेपुरा, नालंदा, नवादा, सहरसा में हल्की धूप के साथ ही पछुआ हवा के कारण मौसम में ठंड का असर बढ़ेगा, तो कहीं कहीं बादलों के कारण बारिश होने की भी संभावनाएं हैं। तो वहीं औरंगाबाद, भोजपुर, छपरा, बक्सर, ईस्ट चंपारण, जमुई, गोपालगंज, वेस्ट चंपारण, मुजफ्फरपुर, खगड़िया, वैशाली, सिवान, रोहतास, जहानाबाद, शिवहर में मौसम में ठंड का असर बढ़ेगा, मगर कई जगहों पर बादल भी छाएंगे तो कहीं कोहरे का प्रभाव भी देखने को मिलेगा।
अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। इस कड़ाके की ठंड में फिलहाल लोगों को राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। ऐसे में आइए जानते हैं सराफा बाजार लोगों को राहत देने का मन बना रहा है या नहीं। अगर सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 3 जनवरी को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 38,210 रुपए था। वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 39,210 रुपए था। यानी कि सोना पिछले दिन से काफी ज्यादा गर्म रहा। वहीं अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 49,300 रुपए था। यानी कि साफ तौर पर चांदी के भाव में गिरावट दर्ज की गई है। इसके अलावा राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 79.66 रुपए प्रति लीटर थी। वहीं डीजल 72.74 रुपए प्रति लीटर था। सिद्धार्थ और शहनाज के रिश्ते पर आया शहनाज के पिता का बयान। बिग बॉस के घर में दर्शकों द्वारा पसंद की जा रही सिद्धार्थ और शहनाज की दोस्ती काफी ज्यादा पसंद की जा रही है, जिस पर अब शहनाज के पिता ने भी अपना बयान जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि उन्हें सिद्धार्थ और शहनाज की दोस्ती से कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक कि उन्हें इस बात से भी कोई एतराज नहीं है कि दोनों घर से बाहर आकर शादी करने का फैसला ले रहे। अब पिता के इन बयानों पर शहनाज का क्या रिएक्शन होगा वो तो उनके घर से बाहर आने के बाद ही पता चलेगा। हालांकि अभी तक सिद्धार्थ के घर से दोनों के रिश्ते को लेकर कोई भी बयान नहीं आया है। गणतंत्र दिवस पर बिहार की झांकी के प्रस्ताव को खारिज करने पर बोली राजद। मुख्यमंत्री द्वारा गणतंत्र दिवस पर बिहार की झांकी पेश करने से मना करने पर अब राजद ने जदयू को आड़े हाथों लिया है। राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि राजद सरकार ने बिहार के लिए विशेष दर्जे की मांग को खारिज कर दिया। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार के प्रस्ताव को खारिज कर दिया। यह ढिंढोरा बजाने वाली भाजपा की डबल इंजन की सरकार की सच्चाई है। पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर की टिप्पणी। इस चुनावी साल में तमाम पार्टियों की तरफ से बयानबाजियों का दौर जारी रहेगा, जिसकी शुरुआत साल के शुरू होते ही शुरू हो चुकी है। इसी क्रम में पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर बयानबाजी का सिलसिला शुरू कर दिया है। उन्होंने अपने बयान में कहा है कि बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सख्ती से पेश आ रहे हैं। इसके आगे उन्होंने कहा कि जो लोग सत्ता में हैं, जनता उन्हें जल्द ही बाहर का रास्ता भी दिखाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार का किया गुणगान। पटना साहिब में तख्त श्री हरि मंदिर परिसर में गुरु गोविंद सिंह जी के 353वें प्रकाश पर्व पर सिख श्रद्धालुओं को संबोधित करने के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जमकर बिहार का गुणगान कर रहे थे, जिसके तहत उन्होंने सबसे पहले पटना साहिब पधारे सभी श्रद्धालुओं का धन्यवाद किया और कहा कि आप लोग इसी तरह बड़ी संख्या में इन योजनाओं में आते रहे। भले ही बिहार एक गरीब राज्य है, मगर मन से हम किसी धनवान राज्य से कम नहीं है। हम लोग आपकी खिदमत में हमेशा मौजूद रहेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। तो आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जल जीवन हरियाली यात्रा से बिहार को कितना फायदा होगा। अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमारा ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो हमारा Facebook पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।